पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम आज 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। बुधवार को मुरादाबाद में धूमधाम के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटा गया और जश्न मनाया गया। जफर इस्लाम ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम 21 सितंबर 1967 को झारखंड के हजारीबाग में जन्मे थे। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम एक भारतीय राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस्लाम 2014 से राजनीति में सक्रिय हैं। वो नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक हैं। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये दायित्व आपका है, चाहे आप राष्ट्रप्रमुख हो या ना हो, लेकिन ये दायित्व आपको दिया जाता है और आपको उसको बखूबी निभाना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसी मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्योंकि लोगों ने सबसे मुझे स्वीकार किया कि यहाँ पर काम करे। और साथ साथ सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खास दिलाते कि यहाँ खड़े हैं। धर्मेंद्र मिश्रा जी है नहीं अभी महानगर थे, लेकिन सबका मुझे साथ मिला, सबका सीनियर का आशीर्वाद मिला, जो हमारे संगठन के सीनियर का पूरा सपोर्ट मिला मुझे। और जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनका भरपूर प्यार मिला। मैं सबको आज कई दिन से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं जिस दिन से मैं पहली बार आया, आज मैं पहली बार नहीं आया, कम से कम 50-2 साल में 50-60 बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोई जानने वाला ना हो या मुझे कोई स्वागत करने वाला ना हो। हर दिन और हर दिन मैं कहा, हर बार जब भी आया हूँ, वहाँ पर 0 पॉइंट से ही लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी के हर लोगों को, इसलिए कि मान सम्मान आप मान नहीं सकते, मान सम्मान खुद से मिलता है, अगर तो उसका कुछ और ही भाव होता है। मैं इसलिए इस ऐसे मौके पर जो कि मेरे दिल से छूता हुआ पल है, उस मौके पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, प्यार दिया है। मैं मुरादाबाद से जुड़े हुए हर काम को दिल से करता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आती, चाहे वो गृहमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अच्छे शब्द और और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ हमारे सीनियर बैठे हैं, हमारे आदर्श लोग बैठे हैं, बहुत सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबका स्वागत है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे ऐसे शुभ दिन में, जो हमारे जिंदगी का शुभ दिन है, उसमें आप लोगों के साथ मुझे मनाने का मौका मिला। आपको पता ही होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर, और 2 सप्ताह पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो सेवा सप्ताह 2 सप्ताह तक मनाएगा, जो हर दिन के लिए प्रोग्राम सब पदाधिकारियों को मालूम में मनाया जा रहा है। उसी वजह से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी और मेरा अध्यक्ष जी खासकर, जब उन्हें पता चला कि हमारा जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाने से पहले हम एक साथ भोजन करेंगे और आपका जन्मदिन है उसको ही मनाएंगे और भोजन जैसे जो है हम साथ करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि मैं भी मुरादाबाद से पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जब तक हमारा टर्म था राज्यसभा का, तब तक मुझे आदेश था पहले राज्यसभा एमपी आने का, लेकिन जब हमारा टर्म खत्म हो गया तो मैंने पार्टी से को बता दिया कि अब मैं नहीं जाने वाला हूँ वहाँ पर, लेकिन मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और संगठन मंत्री जी, ऐसे बड़े पार्टी की लीडरशिप ने मुझे आदेश दिया कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप वहाँ पर विकास का काम